अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकात। दोस्तों आप ये नज़ारा देख रहे हैं गेवन शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह का है। ये साहिब मज़ार पर कितने लोगों की शिफा के लिए लोग जो आते हैं अर्जियां पेश करते हैं, और कई लोग जो मुझे कॉल करके कहते हैं उनके लिए भी मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक उन तमाम को शिफाए कामिला आजिल आता फरमाए। जो लोग यहाँ ज़ियारत के लिए नहीं आ पा रहे उनके लिए भी मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उनको जल्द से जल्द शिफा दे, यानी फ़ायदा हो जाए इस अल्लाह वाले के सदके। दोस्तों ये अल्लाह वालों की मज़ारात पे जो लोगों की भीड़ लगती रहती है, मगर बात यह है कि यहाँ से अल्लाह वालों को फैज़ हासिल होता है। इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि राजस्थान से आए हुए क्योंकि कैंसर की जो बीमार था वो उसको अल्लाह ने शिफा दे दी, और यहाँ से पानी पिया और अल्लाह ने शिफा दे दी। दोस्तों कई लोग जो है पानी यहाँ से लेके जाते हैं अल्लाह के करम से, और अल्लाह पाक से पानी की बरकत से शिफा अता फरमाता है इंशाल्लाह। कई लोग जो है जो नहीं आ पा रहे तो दूर है काफ़ी, तो उनके लिए जो पानी अपने एड्रेस पे भी मंगवाते थे अल्लाह करम से उनको भी शिफा हासिल हो जाती है। ये अल्लाह वालों का दरबार है कि अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले ही हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। न हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से उठा ले आए थोड़ी सी खाक इनके आस्थाने से। दोस्तों आप इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि किस तरह जो लोगों की भीड़ है इंशाल्लाह, इस वीडियो के अंदर उस मरीज़ का भी आप वीडियो सुनेंगे कि किस तरह फ़ायदा होता है इंशाल्लाह। आगे की वीडियो आप देखेंगे और आप खुद वॉच फरमाएं इंशाल्लाह। हमारे वीडियो को आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। कहां से आए? जोधपुर राजस्थान से। जोधपुर राजस्थान से क्या तकलीफ थी? कैंसर था, मेरे लंग्स में गांठ हो गई थी, मेरे कैंसर था। डॉक्टर के पास मेरे इलाज के लिए उन्होंने मेरे को बोला था हफ्ते में 5 तो रेडिएशन हो गए, 1 केमो, 3 महीने का इलाज होगा। बापू के पास आया था, मेरा भतीजा है भूटान करके अहमदाबाद में रहता है, उन्होंने मेरे को यहाँ लेके आया। मैं पहली बार जब आया था जब यहाँ मेरे नली लगी थी। हाँ, इधर नली लगी थी आपकी। हाँ। और ऐसी हालत थी? ऐसी हालत थी। हाँ, ऐसी हालत थी, खाना ही नहीं चलता था और दर्द होता था। हाँ। पहली ज़ियारत में सलामी देने के बाद में नली जाते ही नली निकल गई, जाते नली निकल गई, निकल गई। हाँ। उसके बाद में डॉक्टर ने चेकअप किया, अपना स्कैन क्या बोलते हैं स्कैन करते हैं वो निकाला, रिपोर्ट निकाली, फिर बोले अभी केमो 3 ही होंगे। सब हटा दिया। हाँ, पहले कितना बोला था? पहले 5 हफ्ते में 5 रेडिएशन और 1 केमो। 1 केमो और खाली 3 केमो में फ्री अच्छा हो जाए। अच्छा हो गया, अभी कुछ नहीं होता, अभी कुछ नहीं है। हाँ, बस का कदम है, दाता का कदम है। हाँ, अभी सब ठीक हो गया, सब ठीक। पानी के जो बोतल लेती है उसका पैसा लगता है, 1 रुपया नहीं लगता है। और आपकी खुशी है आप डालो इसके अंदर डब्बे में, बाकी कोई 1 रुपया नहीं मांगता यहाँ पे। ऐसा हो जाए किस्मत का ऐसी तारा जाग उठे, अगर तेरा इशारा हो जाए, तेरा इशारा हो जाए तो मरीजों का बेड़ा पार हो जाए, तेरा इशारा हो जाए तो मरीजों का बेड़ा पार हो जाए। बीमारों की लो जलता की खबर, बीमारों की रो जलता की खबर, ऐ मेरे गबन सा देर न कर, जीने की खबर।